हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हो तो आपके फ़ोन में जितना भी कॉन्टेक्ट है, आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन हो। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें टाइपिंग शो करता है। जब आप ऑफलाइन हो जाते हो तो उनके फ़ोन में आपका लास्ट सीन दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आप बात करते रहें, आपका लास्ट सीन ना दिखाए, आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ना दिखाए, ऑनलाइन बिना आए आप बात करते रहें, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिनका कि अगर आप उपयोग करोगे तो आपको ऑनलाइन नहीं दिखाया जाएगा। ऑफलाइन होकर भी दोस्तों आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हो, आप जितना चाहे उतना उस व्यक्ति से चैटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल वाले आइकन को क्लिक करके उसे ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपने प्ले स्टोर में चले जाना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना होगा WA Start। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने पहला वाला जो ऐप आएगा उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस ऐप को, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को हम पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं तो इसलिए हम इसे यहीं से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपको परमिशन देना होगा। तो दोस्तों, ये आप जितना भी परमिशन आपसे मांगेगा सारा परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें दोस्तों कुछ ऐड आएंगी जिन्हें आप आसानी से स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का मिलेगा। इसमें वैसे कई सारे फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स को हम आप चलिए हल्के में आपको बताते चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं स्टेटस इमेज, स्टेटस इमेज मतलब दोस्तों जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए होंगे उनका स्टेटस इसमें शो करेगा। आप यहाँ से चाहें तो उनका स्टेटस सेव कर सकते हैं। स्टेटस वीडियो में देख सकते हैं जितने भी लोग स्टेटस वीडियो लगाए होंगे उसे भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसके बगल वाले आइकन को देख सकते हो दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन इमेज और वीडियो मिल जाएंगी जिसे आप अपनी स्टेटस पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कई सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसे ऊपर के साइड में आपको मिलेगा नाइट मोड, नाइट मोड पे आपको क्लिक कर देना है जिससे कि आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा बचेगी। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। फिर से आपको देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप जो चाहें उसमें आप यूज कीजिएगा। मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि एक ऐप इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसमें लिखा है टेक्स्ट टू इमोजी। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो आपको इमोजी में लिख के दे देगा। ऐसे में दोस्तों मैं चलिए आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने एक नाम लिख दिया, उसके बाद आपको एक इमोजी सेलेक्ट करना है। इमोजी चलिए आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं ये वाला इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलेगा कन्वर्ट का, तो दोस्तों आपको कन्वर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये मेरे नेम को इमोजी में कन्वर्ट कर चुका है। ऐसे में आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और इसे यहीं से शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको हम ये बताएं कि आप कैसे अब बिना ऑनलाइन आए किसी से भी मैसेज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक ऑप्शन मिलेगा आपको बबल चैट का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी परमिशन मांगेगा आपको सारा परमिशन अलाउ कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद एक और परमिशन मांगेगा, आप सारा परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। फिर आप किनारे एक कैंसिल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर से बबल चैट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो लिखा इनेबल बबल चैट, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस बैक चले आना है दोस्तों, आपका काम हो चुका है। एक ऐड आएगी, आप इस ऐड को 5 सेकंड की ऐड होगी दोस्तों, आप इसे स्किप कर लीजिएगा। उसके बाद आप बैक चले आइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों चलिए मैं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको व्हाट्सअप से मैसेज करके दिखाता हूँ कि मेरा लास्ट सीन शो नहीं करता है और मैं चैट कैसे कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे दोनों फ़ोन की स्क्रीन आपके मोबाइल पर दिखाई दे रही होगी। जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने दूसरे वाले व्हाट्सअप पर मैसेज करता हूँ तो देखिए इसमें एक बबल बन गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहीं से डायरेक्ट इस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। इस व्यक्ति से आप यहीं से बात कर सकते हैं और आपका देखिए ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, ना तो टाइपिंग लिखा है ना तो ऑनलाइन शो कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके कॉन्टैक्ट में जितना नंबर है उसमें आपको ऑनलाइन नहीं शो करेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो और आप मैसेज कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों उस वाले फ़ोन से इस वाले फ़ोन पर मैसेज कर रहा हूँ तो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, लेकिन हम मैसेज कर रहे हैं। इधर से भी देखिए मैसेज जा रहा है दोस्तों, उधर से भी मैसेज आ रहा है।
उम्मीद है दोस्तों आज की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।